वेलकम बैक। आज हम हनीकॉम बुक की सेकंड थर्ड पोयम द सैड रीड करेंगे। हमारी जो पोयम का नाम है वो है द सैड। ये जो पोयम है एक सैड के बारे में है। सैड क्या होता है आप सभी को पता है, एक ऐसा कमरा जिसे आप स्टोर रूम टाइप लगा लीजिए, जिसमें आप एक्स्ट्रा सामान रखते हो, किसी पालतू जीव को बांध कर रखते हो, जिसका हम यूज बहुत कम करते हैं। तो इस जो पोयम में सेड का यूज हुआ है वो बहुत पुराना सेड है, वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। जो पोएट है उसके गार्डन में ये सेड बना हुआ है। तो आइए इस पोयम में हम इसे रीड करते हैं। तो जो पोयम है इसमें सबसे पहले देखिए, डू यू नो व्हाट इज सेड इज, क्या आपको पता है कि एक सेड क्या होता है, गोदाम क्या होता है। एक काऊ सेड आपने सुना होगा, एक गाय का गो सेड, ए टूल सेड औजार रखने के लिए सेड, ए वुड सेड लकड़ियों का सेड। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इट इज़ ए स्मॉल रूम, ये एक छोटा कमरा है अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो कि हमारे मेन हाउस से दूर होता है, थोड़ी दूर होता है, घर के अंदर नहीं होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल एट्सेट्रा, जिसमें हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, भंडार उनका जो भंडारण है वो कर सकते हैं, और कीपिंग थिंग्स और उनको रख सकते हैं उसमें, एनिमल्स को, टूल्स को, जो हमारे औजार होते हैं। टूल्स क्या होते हैं, औजार, व्हीकल्स, जो आपको पता है आपके वाहन होते हैं, इन सबको हम उसके अंदर रख सकते हैं। आस्क योर पार्टनर, अपने साथी से पूछिए, इफ़ सी ही हैज एवर सीन ए सेड, क्या कभी उसने एक सेड को देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और उससे कहो उसे कि इसको क्लास में वर्णन करे अगर उसने देखा है। नाउ रीड द पोयम, अब पोयम को पढ़ते हैं। देर इज ए सेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन, तो देखिए बॉटम क्या होता है, तलहटी, जो तलहटी होती है, तलहटी जो नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, तलहटी, और ये तलहटी किसकी है, गार्डन। गार्डन क्या होता है, बगीचा। विथ ए स्पाइडर, स्पाइडर क्या होता है, देखिए स्पाइडर होता है मकड़ी, वेब होता है जाल, हैंगिंग होता है लटकता हुआ, सॉरी लटक रहा है, अक्रॉस द डोर, दरवाजे के बीचों बीच। ये कहता है कि जो पोएट है उसके गार्डन की तलहटी में एक सेड है, एक गोदाम है, जिसमें एक मकड़ी का जाला गेट के बीचों बीच लटका हुआ है, दरवाजे के बीचों बीच लटका हुआ है। द हिंग्स आर रस्टी, जो उसके कब्जे हैं, हिंग्स क्या होते हैं, कब्जे, जो आपके दरवाजे जिससे जुड़े होते हैं, जिससे ज्वाइंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कब्जे। रस्टी, रस्टी होता है जंग लगे हुए, एंड क्रिक होता है जिनमें से आवाज़ें निकलती है, इन द विंड, जब हवा चलती है तो वो उनमें से आवाज़ निकलती है। व्हेन आई एम इन बेड, जब मैं बेड पर होता हूँ, जब मैं बिस्तर में लेटा होता हूँ, आई लाई, मैं लेटा हुआ होता हूँ, एंड आई लिसन, तो मैं सुनता हूँ, आई विल ओपन दैट डोर वन डे, मैं उस दरवाजे को एक दिन जरूर खोलूंगा। तो देखिए इसमें पोएट ने बताया है कि एक मेरे जो गार्डन है, ये देखिए इधर आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये पोएट का गार्डन है, और इस गार्डन की तलहटी में एक ये जो बना हुआ है ये क्या है, सेड है। इस सेड में यहाँ पे एक विंडो लगी हुई है, खिड़की है, और जो पोएट कहता है, जब मैं अपने कमरे में सो रहा होता हूँ तो मुझे आवाज़ें सुनाई देती है, जब हवा चलती है तो उनकी जो दरवाजों की आवाज़ें हैं वो करकराने की आवाज़ सुनाई देती है, उसके जो कब्जे हैं वो जंग लग चुके हैं, उसमें मकड़ी का जाला दिखाई देता है। तो ये सब पोएट बता रहा है। आगे देखिए, देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइट, अब ये कहता है डस्टी होता है जो धूल से भरी हुई है, ओल्ड मतलब पुरानी, विंडो क्या होती है, खिड़की, अराउंड राइट साइड, इसके एक तरफ जो खिड़की है वो पुरानी खिड़की है, धूल से भरी हुई, विथ थ्री क्रैक्ड पैन ऑफ ग्लास, जिसमें तीन ग्लास के कांच जो टूटे हुए हैं, क्रैक होता है टूटे हुए, जिस खिड़की के तीन कांच टूटे हुए हैं। आई ओफन थिंक, मैं हमेशा सोचता हूँ, देर इज समवन स्टेरिंग, स्टेरिंग होता है, देखिए जो STARING स्टेरिंग होता है, घूरना, एकटक देखना, वो कहता है मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसमें से कोई मुझे एकटक देखता है, मुझे घूर रहा होता है, ईच टाइम, प्रत्येक बार, दैट आई पास, जब भी मैं इसकी तरफ से गुजरता हूँ, इसके पास से गुजरता हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, अब पोएट कहता है कि एक दिन मैं जरूर खिड़की में से झांक कर देखूंगा, जो कांच टूटा हुआ है खिड़की का, उसके अंदर से झांक कर देखूंगा कि इसके अंदर क्या है। माई ब्रोदर से, मेरा भाई कहता है, दैट देयर इज ए घोस्ट इन द सेड, जो पोएट है उसके भाई कहते हैं कि इस सेड में एक घोस्ट है, एक भूत है, हु हाइड्स, जो छुप जाता है अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। फ्लोर बोर्ड क्या होते हैं, फ्लोर होता है फर्श, बोर्ड्स होती है लकड़ी, जिस लकड़ी का फर्श जो बना हुआ है उस
सैड का, कहता है रोटन होता है सड़ा हुआ, क्योंकि वो लकड़ियाँ बिल्कुल गल चुकी है, बहुत पुराना फर्श है। तो कहता है उसका भाई, इसमें वो भूत है जो लकड़ी के फर्श के अंदर छुप जाता है। एंड इफ़ आई डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैंने अंदर कदम रखने की कोशिश की, ये कहता है डेयर होता है साहस करना, अगर मैंने वहाँ अंदर कदम रखने का साहस दिखाया, ही विल जम्प आउट, वो बाहर कूद आएगा। एंड चॉप ऑफ, चॉप ऑफ होता है काट देना, चॉप ऑफ माई हेड, मेरे सर को काट देगा। अगर मैंने ऐसी हिम्मत दिखाई कि मैंने उसके अंदर पैर रखा, तो जो भूत है वो निकल कर बाहर आएगा और मेरे सर को काट देगा। बट आई विल टेक ए पीक द डे, अभी कहते हैं लेकिन नहीं, पीक होता है झांकना, मैं उसमें जरूर एक दिन झांक कर देखूंगा। आई नो, मैं जानता हूँ दैट देयर इज नॉट रियली ए घोस्ट, कि वहाँ पर कोई वास्तव में कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरा भाई झूठ बोलता है। टू कीप द सेड फॉर हिज डैन, डैन होता है गुफा, कि उसको अपने गुफा बनाने के लिए अपने मेरा भाई जो है वो मुझसे झूठ बोलता है। देयर इजंट एनी स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेज, वहाँ पर ना ही तो कोई ऐसा है जो मुझे घूर रहा है और ना ही कोई अजीब आवाज़ें वहाँ से आती है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन, और जो स्पाइडर थी, जो मकड़ी थी, वो भी वहाँ से जा चुकी है। हिज वेब, अपने जाले से निकल कर, सिंस आई डोंट नो वहन, ये मैं नहीं जानता कि वो उससे निकल कर कब गई है। आई विल गो इन टू दैट सैड वन डे सून, ये कहता है कि मैं जल्द ही इस सैड में एक दिन जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। जो पोएम है, ये थी हमारी पोएम, इसके जो पोएट है वो है फ्रैंक फ्लाइन, इसके जो फ्रैंक फ्लाइन पोएट है, और ये पोएम है हमारी द सैड। तो आप इस पोएम को रीड कीजिए अपनी बुक की हेल्प से। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।